dear students asalam alaikum. today we are going to embark on how to create a purchase order within QuickBooks purchase order is the first step in purchasing items from our vendors purchase order is also known as PO याद रखिए जब भी PO का लब्जा आएगा आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये एक purchase order अच्छा ये भी याद रखें कि purchase order एक मेमोरेंडम रिकॉर्ड है ये डायरेक्टली हमारे अकाउंट्स को हिट नहीं करता टच नहीं करता ये बेसिकली एक ऑर्डर है जो आप अपने वेंडर को भेजते हैं और उसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ये चीज़ें ये आइटम्स मुझे चाहिए ये इनकी मकदार है और जो आपने उसके साथ प्राइस फाइनलाइज की होती है वो भी आप इस पर नोट कर लेते हैं टर्म्स एंड कंडीशन हम देख लेते हैं कि उस वेंडर्स के साथ हमारी क्या है बेस्ड ऑन दैट डॉक्यूमेंट हमें वेंडर चीज़ सप्लाई करता है अपना बिल भेजता है और हम बिल और अपना परचेज़ ऑर्डर आपस में मैच करके देखते हैं कि क्या इस पर दिए गए आइटम की स्पेसिफिकेशन टाइप और क्वांटिटीज़ वही हैं जो हम हमने उसको ऑर्डर की थी या नहीं मेन रीज़न परचेज़ ऑर्डर बनाने का ये है कि हमारी किसी किस्म का भी डिस्प्यूट अपने वेंडर के साथ हो तो हमारे पास कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट या प्रूफ हो जिससे हमें पता चल सके कि हमने ऑर्डर क्या किया था हमारी स्पेसिफ़िकेशन क्या थी और सप्लाई में जो ऊंच नीच अगर हो गई है स्पेसिफिकेशन में या क्वांटिटीज में तो वो क्लियरली हमें और हमारे वेंडर को पता हो परचेज ऑर्डर का जैसे मैंने आपको बताया कि अकाउंट्स में फ़िलहाल कोई भी असर नहीं होता है रीज़न उसकी बड़ी सिंपल है कि ये एक परचेज ऑर्डर है कि इसकी मिसाल आप ये ले लें कि एक शादी का कार्ड है जो रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप हमारे पास तशरीफ़ लेकर आएँ और हमारे शादी में शरीक हों और इसका अफेक्ट उस वक्त होगा जब आप शादी में जा कर कोई सलामी देंगे तो जब तक आप सलामी नहीं देते इसका कोई अफेक्ट नहीं होता यहाँ भी वही सूरत हाल है पीओ का अफेक्ट उस वक्त होगा जब हमारे पास माल आएगा और हम उसको अपने पास माल ले लेंगे एक्सेप्ट कर लेंगे और बिल पे करने के लिए तैयार हो जाएंगे ये एक मेमोरेंडम रिकॉर्ड है जो कि सिर्फ ये बता रहा है स्पेसिफिकेशन और क्वांटिटीज हमारी क्या हैं और क्या हमारा वेंडर हमारे साथ एक ही वेवलेंथ पे काम कर रहा है या नहीं कोई भी डिस्प्यूट की सूरत में जैसे मैंने आपसे कहा कि वी कैन ऑलवेज रिवर्ट बैक टू आर पी टू सी वॉट वॉज रिटर्न इन आर पी क्योंकि वो एक बेस्ड डॉक्यूमेंट है जो कि हमें बता रहा है कि हमें चाहिए क्या था इसके बुनियाद पे हम बाकी सारी अकाउंटिंग आगे चल के करेंगे लेकिन पहले हम चल के देखते हैं क्विक बुक्स में हमारा पी बनता कैसे आइए हम अपने पहले होम पेज पर पे आते हैं और क्योंकि हमने अपना वेंडर का पूरा सिस्टम इन्वेंट्री मैनेजमेंट का ऑन किया हुआ है तो हमें जो पहली चीज़ नज़र आ रही है उस पर वो है परचेज ऑर्डर यानी कि पीओ। ओ परचेज़ ऑर्डर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक पूरी स्क्रीन आ जाएगी और हमसे ये पूछेगी कि ये बताइए कि ये आप चीज़ किस से लेना चाह रहे हैं क्योंकि हम लोग एक मटेरियल ख़रीदने वाली कंपनी है जो कि बिल्डिंग मटेरियल ख़रीदती है और आगे बेचती है और इस केस में फॉर दिस एग्ज़ाम्पल हम एक सीमेंट सप्लायर से माल लेना चाह रहे हैं तो हम ढूंढते हैं कि क्या हमारा कोई यहाँ वेंडर मौजूद है या नहीं तो यहाँ एक सीमेंट सप्लायर मौजूद है जो कोई हमारा वेंडर है जिससे हम ये चीज़ें ले सकते हैं जैसे ही हमने सीमेंट सप्लायर लिखा है तो उसने हमें बहुत सारी चीज़ें खुद ही फिल करके दे दी एक चीज़ मैं पहले बताता चलूँ ये पॉसिबल भी होता है क्योंकि काम बहुत सारे मुख्त कस्म के होते हैं और टाइम बचाना हमारा मकसद होता है कि हम डायरेक्टली अपने वेंडर से ले के सामान अपने कस्टमर के घर ही डायरेक्ट भिजवा दें बजाय इसके कि वो हमारे पास आए अनलोड हो फिर दोबारा से लोड हो और हमारे सप्लायर की तरफ से आया हुआ माल हम अपने क्लाइंट को भेजें हम ये कर सकते हैं कि हम अपने सप्लायर से कहें कि तुम ये माल डायरेक्टली शिप कर दो हमारे कस्टमर को तो उसकी प्रोविज़न भी यहाँ मौजूद है और वो है जी ड्रॉप शिप टू ड्रॉप शिप का मतलब है ड्रॉप करवा दो शिप करवा दो किसको ये हमारे सारे कस्टमर हैं लेकिन फॉर दिस एग्जांपल हम ड्रॉप शिप नहीं करवा रहे हम सिर्फ अभी पीओ बना रहे हैं अच्छा पीओ बनाने का मकसद ये है कि हमें पता चले कि हम मांग क्या रहे हैं और क्लियरली मेन्शन हो हमारे जो वेंडर के लिए कि ये रिक्वायरमेंट उनकी है क्या जैसे ही हमने सीमेंट सप्लायर दिया दो चीज़ें हमारे सामने आ गई हैं एक तो ये कि वेंडर का एड्रेस क्या है और उसने जो हमने उधर शिपिंग एड्रेस उसको बताया था कि तुमने ये माल भेजना कहाँ है वो भी ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाता है ये हमने एट द टाइम ऑफ वेंडर रजिस्ट्रेशन उसको बताया हुआ है इसे हम चेंज कर सकते हैं लेकिन हमने क्या किया है हमने उसे एट द टाइम ऑफ वेंडर रजिस्ट्रेशन जैसे मैंने आपसे कहा था कि रजिस्ट्रेशन ऑफ एनी थिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन क्विक बुक्स रजिस्ट्रेशन के वक्त ही हमने बता दिया है कि तुम तो हमें इस जगह पे सप्लाई दो हो सकता है कि हमारे पास एक से ज़्यादा वेयर वेयरहाउसेज हों अगर हमने दोनों अपने वेयर हाउसेज का एड्रेस दिए हैं तो हम शिप टू में जा उसको चेंज कर सकते हैं लेकिन इन दिस केस हमारे पास सिर्फ एक वेयर हाउस का एड्रेस है जो कि यहाँ लिस्टेड है आइए देखते हैं हम आइटम उससे क्या क्या ले सकते हैं इन दिस केस क्योंकि आपको पता है कि वो सीमेंट का सप्लायर है सो ही विल बी प्रोवाइडिंग अस सीमेंट वेदर इट इज़ वाइट सीमेंट और ऑर्डनरी पोर्टलैंड सीमेंट ये हमने उससे मांगा है और अब आप, आप दोबारा से इसकी एक और चीज देख लें जब हमने ये दोनों चीजें दोनों आइटम्स रजिस्टर की थी उस वक्त हमने इसकी प्राइस दे दी थी जैसे ही हमने वो आइटम यहाँ मेंशन किए हैं उसकी बाइंग रेट कॉस्ट प्राइस जिसपे हमने वेंडर से ये चीज उठानी है वो हमारे सामने आ गई है क्वांटिटी हम यहां दे रहे हैं जैसे ही हमने अपनी क्वांटिटीज डाली ऑटोमेटिकली तमाम अमाउंट बन के सामने आ गई हैं जब मैं इसे सेव करूँगा तो याद रहे कि इसका कोई इफेक्ट अकाउंट्स पे नहीं होगा दिस इज गोइंग टू बी अ बेसिकली अ रिकॉर्ड फॉर अस विच वी कैन यूज टू बेसिकली सी वॉट आर सप्लायर इज सप्लाइंग टू अस इसमें हमने कैटेगोरिकली अपनी टाइप और रिक्वायरमेंट लिख दी है इसमें हमने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि हमारे पास आइटम हमें कौन सा चाहिए विद स्पेसिफिकेशन आइटम हमें कौन सा चाहिए हमें चाहिए सीमेंट बट इट सम ऑफ इट शुड बी वाइट सीमेंट रेस्ट ऑफ इट शुड बी ऑर्डनरी पोर्टलैंड सीमेंट स्पेसिफिकेशन हमारी कंप्लीट है दूसरा पार्ट ये कि हमें चाहिए क्वॉन्टिटी वाइज इतना वाइट सीमेंट और वाइज इतना पोर्टलैंड सीमेंट सारी चीज़ें हमने इधर कर दी हैं और जब हम इसे सेव एंड क्लोज करेंगे तो हमारा ये पी ओ तैयार हो जाएगा लेकिन पी ओ को अगर हम अपने किसी वेंडर को भेजना चाहें तो हमारे पास दो तरीक़े मौजूद हैं एक तो तरीका ये है कि आप इसको प्रिंट करें प्रिंट करके आप इसको मेल कर दें या फैक्स कर दें या करियर के थ्रू से भेज दें ये तीनों तरीक़े आपको बड़े आसानी से हो जाते हैं आजकल बहुत सारी कंपनियां आज भी ये करती हैं कि इसे प्रिंट करके अपना साइन और स्टैम्प करके अपने वेंडर को भेजती हैं ताकि एज अ रेफरेंस डॉक्यूमेंट ये बार बार इस्तेमाल किया जा सके लेकिन आजकल मॉडर्न ज़माने में हम लोग इसे ई के थ्रू भी भेज सकते हैं और इसके लिए आपका वेंडर का ई एड्रेस आपके पास रजिस्टर होना चाहिए ही आप ईमेल को क्लिक करेंगे आपके पास मेल का पूरा का पूरा फॉर्मेट आ जाएगा उसके अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ ये लिखना है कि ये पी ओ दिस इज फॉर सीमेंट फ्रॉम सो एंड सो कंपनी अगर वो प्री फिल्ड है तो और भी आसानी है और आपने सिर्फ क्लिक ऑफ बटन पे ये पी ओ इसाल कर देना है अपने वेंडर को सो यू कैन प्रिंट इट और यू कैन मेल योर पी ओ टू योर वेंडर अगले लेक्चर में हम ये देखेंगे कि बेस्ड ऑन दिस पीओ जो हमें माल भेजता है हमारा वेंडर उसको हमने किस तरीके से अपने पास हैंडल करना है रिकॉर्ड करना है और उसको बिल अता करना है जिसके लिए हमने उससे रिक्वेस्ट की थी थ्रू पी ओ बट एज फार एज वी आर कंसर्न दिस इज आर पी ओ विच इज़ नाउ कम्प्लीट एंड रेडी टू बी सेंड टू आर वेंडर आज हमने प्रोक्योरमेंट का पहला स्टेप कर लिया है और वो है अपना रिक्वायरमेंट पी ओ के थ्रू अपने वेंडर को हमने पहुंचा दी है इसके अंदर हमने अपनी रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकली लिख दी है और उसकी क्वांटिटीज भी लिख दी हैं और यह भी हमने उसे कह दिया है कि ये हमें कौन सी जगह डिलीवर्ड चाहिए अगर हम चाहते तो हम ये भी कह सकते थे कि दिस शुड बी डिलीवर्ड टू आर कस्टमर लेकिन हमने अपने एक गोदाम का एड्रेस भी दे दिया है जहां हमें ये सप्लाइज चाहिए बेस्ड ऑन दिस सारा प्रोसेस अब वेंडर करेगा और हमें कम्युनिकेट करके बताएगा कि कब हमें यह माल मिलने वाला है और जब यह माल हमें भेजेगा तो उसके बाद सारी इन्वेंट्री की प्रोसेसिंग शुरू होगी अंटिल देन दैट्स इट फॉर टुडे एज़ फार एज़ क्विक बुक्स लेसन ऑन इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज कंसर्न